मॉर्निंग आई लव यू, कैसे हो, सुप्रभात। तो हम अब से ऑनलाइन क्लास नहीं करेंगे और ये हमारा पहला वीडियो है, तो मुझे उम्मीद है सभी लोग अपना वीडियो समय से देखेंगे। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वीडियो कभी भी देख लेंगे। जब वीडियो का टाइम है, लिंक आई है, तभी आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है और अपना वर्क पूरा करना है, ठीक है, जैसे ऑनलाइन में कर रहे थे आप लोग। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो सभी अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पाठ पढ़ा था जब बीरबल बन गए बच्चा, है ना। तो उस पाठ को हमने पढ़ा था, कहानी बहुत अच्छी थी। अब आज हम उसकी क्या करेंगे, पाठ की एक्सरसाइज करेंगे। तो सभी लोग अपनी पुस्तक निकालिए, मयूर पंख, है ना, और मयूर पंख का आप लोग निकालेंगे पेज नंबर 40 निकालेंगे पेज नंबर। और सबसे पहला प्रश्न हमारा है सही विकल्प, है ना। तो सभी लोग अपनी पुस्तक में ये वाला वर्क करेंगे, है ना, इसको कॉपी में नहीं करना है, नोटबुक में नहीं करना है। तो पहला प्रश्न हमारा है सही विकल्प, सही विकल्प। सभी लोग निकालिए अपनी पुस्तक में एक्सरसाइज। चलिए पहला प्रश्न हमारा है सही विकल्प, और उसमें हम लोग करेंगे बीरबल को किसकी जीत के कारण के आगे हार सॉरी बीरबल को किसकी जीत के कारण आने में देर हुई, है ना। हमारे विकल्प है अकबर की, बच्चे की, दरबारी की। सभी को पता है किसकी जीत के कारण देर हो गई थी, बच्चे की। तो क का सही उत्तर है ब, क का सही उत्तर है ब, बच्चे की। किसकी जीत के कारण देर हो गई थी, बच्चे की, है ना। चलिए सभी लोग सही उत्तर पे टिक लगा लीजिए, आपको सिर्फ टिक लगाना है, है ना। आपकी पुस्तक में क्या दिया हुआ है, विकल्प दिया हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना है, टिक लगाना है। अब है दूसरा, अपनी बात साबित करने के लिए बीरबल ने किसे बच्चा बनाया, अकबर को, दरबारी को, स्वयं को। अपनी बात साबित करने के लिए बीरबल ने किसे बच्चा बनाया था, अकबर को, दरबारी को, स्वयं को। कौन बच्चा बना था, बीरबल स्वयं बच्चा बने थे। तो ख का स आएगा, ख का स क्या आएगा, स्वयं को। उस पे आप लोग क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। बहुत आसान है, लगा लीजिए। आपको सिर्फ टिक लगाना है, हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए रब कर रही है मैम, अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे।
अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, किसने किससे कहा, है ना, किसने किससे कहा, मतलब कौन सी बात किसने किससे कही। अकबर ने बीरबल से, बीरबल ने दरबारियों से, अकबर ने दरबारियों से, है ना। तो हमको यहाँ पे सही लिखना है, बादशाह सलामत आज बीरबल आजकल कितने लापरवाह हो गए हैं। बादशाह सलामत बीरबल आजकल कितने लापरवाह हो गए, किसने बोला था ये चुगली किसने की थी, किसने की थी, दरबारियों ने अकबर से। तो किसने कहा और किससे, तो किसने और किससे, है ना, किसने और किससे। तो हम लोग लिखेंगे अकबर ने, सॉरी दरबारियों ने अकबर से, दरबारियों ने। यहां पे आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं इसका आंसर नीचे लिख देती हूँ, किससे कहा का आंसर यहां लिख रही हूँ, अकबर से, किससे, किसने, तो दरबारियों ने अकबर से। लिख लीजिए अपनी पुस्तक में, राइटिंग अच्छी लिखेंगे सभी, दरबारियों ने अकबर से। सभी अच्छे से लिखेंगे, दरबारियों ने अकबर से, क्या लिखेंगे, दरबारियों ने अकबर से। और राइटिंग सुंदर लिखेंगे, किसने की जगह दरबारियों ने और किससे कहा, तो अकबर से। फिर अगला है, बच्चे की जीत के कारण देर हो गई, किसने बोला था ऐसा, किसको बच्चे की जिद के कारण देर हो गई थी, बीरबल को। बीरबल ने किससे कहा था, अकबर से, है ना, बीरबल ने किससे कहा था, अकबर से, बच्चे की जिद के कारण देर हो गई, बीरबल ने किससे कहा था, अकबर से। आ रही है बात समझ में, पहले ये वाला कर लीजिए सुंदर राइटिंग में। चलिए ये होगा, फिर हम लोग अगला करेंगे। सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है, सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है, दरबारियों ने अकबर से, है ना, अकबर से। अगला करेंगे, किसने किसमें कि बच्चे की जीत के कारण आने में देर हो गई है, किसने कहा था, बीरबल ने अकबर से, बीरबल ने अकबर से। अब मैं केवल ऊपर जो लिखूंगी वो किसने लिखूंगी और किससे कहा क्या लिखूंगी नीचे लिखूंगी, है ना। बीरबल ने अकबर से, दूसरे में अब लिखेंगे, बीरबल ने अकबर से, बीरबल ने अकबर से। सामने लिखना है अकबर से, लिखिए।
राइटिंग सुंदर लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे। कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला है, यदि ऐसी बात है, ऐसा है, तो अपनी बात को सच साबित कीजिए। यदि ऐसा है तो अपनी बात को सच साबित कीजिए। सभी कर लीजिए, ये अच्छे से कर लीजिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए, हाँ, अगला है, यदि ऐसा है तो अपनी बात को सच साबित कीजिए, अकबर ने बीरबल से, है ना। अकबर ने बीरबल से, अकबर ने बीरबल से लिख लीजिए। आपको अकबर ने यहां लिखना है, किसने और किससे कहा, सामने लिखना है। ये जो मैं नीचे लिख रही है, लेकिन आपको सामने लिखना है, ठीक है, आपकी बुक के अनुसार, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है। अकबर ने बीरबल से, चलिए हो गया होगा उम्मीद है। अब हम लोग आ जाएंगे, इसके बाद है प्रश्न उत्तर, जो कि मैं आपको अगली क्लास में करूंगी। आज हम केवल बुक वाली एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन आंसर हम लोग किस में लिखेंगे, CAW कॉपी में। तो इसे आपको अभी नहीं करना है, अभी क्या करना है, केवल आपको बुक में एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आ जाएंगे हम लोग। अगला है पेज नंबर 17 पे, है ना। सभी लोग पेज नंबर 17 निकाल लीजिए, समझिए और लिखिए, है ना। मतलब व्याकरण है ये, बच्चा बच्चे, है ना, ये एक वचन और बहुवचन, जो कि हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। पन्ना पन्ने, है ना। अब मैं इसके आंसर लिखूंगी, आप लोग अपनी बुक में करेंगे। चलिए, बच्चा बच्चे दिया है, ख वाला है कच्चा, कच्चा का क्या होगा, कच्चे, कच्चा का क्या होगा, कच्चे। पन्ना पन्ना
का प्रश्न एक है, भाषा की समझ पे है ये, भाषा की समझ, इसका ये पहला पेज नंबर 17 का पहला प्रश्न है। सही जगह पे करें। अच्छी राइटिंग लिखेंगे, बोल के लिखना है, हमेशा बोलने की आदत डालना है आपको, बोल बोल के हमेशा लिखेंगे। चलिए, इतना समय काफी है मेरे हिसाब से। आप हमेशा वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट हमेशा लेते जाएं, ठीक है? चलिए, अब मैम इसे रख कर रही है। इसी पेज नंबर का अब हम प्रश्न 2 करेंगे। कौन सा करेंगे? प्रश्न 2 करेंगे। सभी लोग इसी पेज नंबर पे प्रश्न 2 करेंगे। जो भी लिखना है इसे हमेशा बोल बोल के लिखना है आपको, ठीक है? ताकि आपको रीडिंग करने में प्रैक्टिस होगी रीडिंग की और आपकी रीडिंग स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है ना? थोड़ा बर्ड बोर्ड रफ कर दूं मैं, फिर बताती हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का करेंगे हम लोग। इसके बाद हम आएंगे प्रश्न 2 पे। प्रश्न 2 है, र के अनेक रूप होते हैं, इन रूपों वाले शब्द रूप। र के कितने रूप होते हैं आपको पता है? र एक तो होता है र सिंपल वाला, है ना, जैसे घर, पर, है ना, वर, ये सादा र है। फिर दूसरा होता है र रेफ की मात्रा होती है ना, पर्वत, जो कि ऊपर से रेफ अने ऊपर से लगाई जाती है ना, ये दूसरा प्रश्न है। रेफ की मात्रा कहाँ से लगाई जाती है? ऊपर से लगाई जाती है। एक मात्रा होती है र पदेन की होती है, पद अने पैर, जो कि पैर अने नीचे की साइड से लगाई जाती है। तो एक री की मात्रा होती है ऋषि। तो इस तरह र के हम 4 या 5 रूप, 5 रूप पढ़ेंगे, ठीक है? तो र की मात्रा एक, फिर होता है रूम, सॉरी र की मात्रा, र पदेन की मात्रा को जैसे ट्रक में 2 मात्रा लगाई जाती, ग्रह में 1 ही लगाई जाती है। तो र रेफ के, र पदेन के, इन रूपों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी मात्रा है, तभी हम उसका सही उच्चारण सीख पाएंगे। पहला है क, क है ना, क में सिम सादा र दिया है, केवल र के रूप लिखना है। जैसे उदाहरण में बिरबल दिया हुआ है, सादा र दिया हुआ है ना। अब हम इसके कितने रूप लिखेंगे, कितने नाम लिखेंगे? 3-3 नाम लिखेंगे, है ना। दरबार, अकबर, वीर, घर, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो हम लोग पहले र के, सादा र के लिखेंगे। मैंने लिखा है घर, वर और चर। आप चाहे तो बुक में आए शब्दों को भी लिख सकते हैं, घर, वर, चर। आ रही बात समझ में? ये हमने र के सिंपल रूप लिखे हैं, है ना, र के सिंपल रूप लिखे हैं। करते जाइए साथ साथ। इसके बाद है
रेफ की मात्रा, रेफ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, रेफ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है ना। तो इसके शब्द हम लोग लिखेंगे कर्म, धर्म और मर्म। आप चाहें तो दूसरे शब्द लिख सकते हैं, कर्म धर्म मर्म। आप चाहें तो अपने हिसाब से इनके दूसरे नाम भी यहाँ पर आपको अगर आते हैं तो खुद से लिख सकते हैं, और ज्यादा खुद से लिखेंगे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से करना है, कर लीजिए इसे। राइटिंग अच्छी लिखना है, बोल बोल के लिखना है। इसके बाद आएगा र पदे, इसके बाद आएगा र पदे। पदेन की मात्रा नीचे लगाई जाती, पद अने पे, रेफ अने ऊपर, है ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ग्रह, चीजें बोलने आएगी। और फिर एक मैं लिखूंगी ट्रेन, ये आपको अपनी पुस्तक में बोल के लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखिए। आज का काम अभी ही पूरा करना है, चलिए जल्दी करिए और बोल के लिखना है आपको। घर वर चर, कर्म धर्म मर्म, ग्रह प्रेण क्रम, ट्रक ड्रम ट्रेन। इसमें री वाला रूप नहीं दिया हुआ है, एक ऋषि की मात्रा लगती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। राइटिंग अच्छी लिखना है, राइटिंग का ध्यान रखिए, बहुत बड़े अक्षर नहीं लिखना है, मैम बड़े अक्षर आप लोगों के लिए लिख रही है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए 2 मिनट और हैं आपके पास, कर लीजिए इसे, फिर हम लोग अगला प्रश्न करेंगे।
चलिए कर दूँ रहा। अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे, इसी पेज नंबर का तीसरा प्रश्न। और आपको वीडियो हमेशा पॉज करके, अगर नहीं होता है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रख ले, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है विलोम शब्द, है ना, ये हमें है करना, इसी पेज नंबर पे है, सॉरी पेज नंबर 18 पे है ये। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है, उल्टा आने विलोम, है ना, जैसे आगे पीछे, बंद खुला, ऊपर नीचे, है ना, फिर दाएं बाएं, तो ये क्या होता है, उल्टा होता है, काला सफेद, है ना। तो इसमें हमें कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं, आपको मैंने एग्जांपल से समझाया है, आपको समझ में आया होगा कि जो शब्द उसका उल्टा अर्थ बताए वो विलोम शब्द कहलाते हैं। चलिए पहला इसमें दिया है आना जाना, फिर क है रोना, तो रोना का क्या होगा, हंसना, ये तीसरे नंबर वाला है, क दिया है ख से करेंगे हम लोग, रोना, रोना लिखा है उसका आंसर लिखेंगे हम लोग हंसना, रोना का क्या होगा, हंसना। उसके बाद है जोड़ना, जोड़ना का लिख लो तोड़ना, जोड़ना का क्या लिखेंगे, तोड़ना। फिर है घ, घ जोड़ना तोड़ना, फिर है संभव असंभव, असंभव असंभव, ये लिख लीजिए आप लोग और बोल के लिखेंगे, सामने वाला भी बोलेंगे संभव असंभव, जोड़ना तोड़ना हंसना रोना। इसी के और आगे दिए हुए हैं सच झूठ, सच झूठ, है ना, आप बोलते हैं ना कि मैम हम सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, तो सच का झूठ। करिए इतना, आगे का मैं उस साइड में कर दूंगी। सहमत असहमत, च, च में है सहमत, तो उसका मैम लिख रही है असहमत, च के बाद सॉरी छ हार जीत, है ना, देखिए कोई हारता है कोई जीतता है ना, दो चीजें तो है, हार या जीत, हार मिलेगी या जीत मिलेगी या सीख मिलेगी, और शांत का अशांत, च छ ज अ शांत, शांत का क्या होगा अशांत, है ना, कर लीजिए, पहले इधर का कर लीजिए फिर कैमरा इधर कर दूंगी, तब तक ये वाले लिख लीजिए, कंफ्यूज भी नहीं होंगे आप लोग, फिर मैम कैमरा इधर कर देगी तो आप लोग फिर इधर का लिख लेना, बोल बोल के लिखिए। और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए अब दोनों साइड का दिख रहा है, दो मिनट का टाइम है आपके पास, कर लीजिए।
सुंदर राइटिंग लिखेंगे सभी और बोल बोल के लिखेंगे। चलिए अब आज का वर्क इतना ही, ये पूरा कर लीजिए, है ना। फिर अगली क्लास में हम लोग इस पाठ के श्रुत लेख शब्दार्थ करेंगे और प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो सभी को बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे।